नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश के इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के साथ साथ किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी की कई परीक्षाएं, लाइक एज मंडी परिषद की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें और किस प्रकार से आप इसकी तैयारी करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति सबको प्रभावित करती है। बिल्कुल उसी प्रकार का नेचर यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि करंट अफेयर्स को इग्नोर करके आप परीक्षाओं की वैतरणी को पार कर जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर्स का जो सिलेबस होता है वो भी निश्चित नहीं होता है। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में भी कुछ डिसाइड या निश्चित रूप से आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि लगभग 2 साल पुराना प्रश्न भी उठाकर पूछ लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में आपका जवाब गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सही स्टडी मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि सही स्टडी मटेरियल अगर आपने चुन लिया तो निश्चित रूप से आपने समझ लीजिए कि आधी बाजी मार ली है। सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स यहां पर यह होती है कि अगर आप करंट अफेयर्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी आदत में 2 बातों को शुमार में रखिए। सबसे पहले ये कि आपको न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको सुबह और शाम आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित होते हैं उनको भी आपको सुनना होगा, और उनमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो इम्पोर्टेंट उससे इंफॉर्मेशन निकल के आती है, उसको अपनी डायरी में आपको नोट करना होगा, यानी कि उनसे नोट्स बनाना आपको सीखना होगा। न्यूज़पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदी भाषी होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आपको द हिंदू से बढ़िया कोई न्यूज़पेपर नहीं मिलने वाला है। द हिंदू पूरे भारत में तो नहीं मिलता है, इसका जो हार्ड कॉपी है, लेकिन इसकी जो सॉफ्ट कॉपी यानी कि इंटरनेट कॉपी, ये हर जगह पर उपलब्ध है, और इसको कुछ पैसों को पे करके आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश पर कमांड रखते हैं तो द हिंदू को पढ़ना आपकी आदत में शुमार होना चाहिए। हालांकि एक बात और भी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको द हिंदू मस्ट है। अगर स्टेट लेवल पीसीएस परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी ट्रिपल एससी, या फिर समूह की परीक्षाएं, और या फिर रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका काम हिंदी न्यूज़पेपर से भी चल जाता है। हिंदी न्यूज़पेपर में जो क्षेत्रीय समाचार होते हैं उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बड़ी खबरें होती हैं उस पर आपको फोकस करना होता है। जो आंकड़े होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ सुबह और शाम अगर आप आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला जो हिंदी बुलेटिन या फिर आपकी इच्छा के अनुसार जो इंग्लिश बुलेटिन होता है, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो चीजें बिल्कुल श्रृंखला वाइज यानी कि 1 by 1 आपको याद होती चली जाती हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि जो भी चीजें आप प्रतिदिन सुन रहे हैं उसको आप नोट्स जरूर बनाएं, उसको आप अपनी डायरी में नोट जरूर करें। आपके मोबाइल फोन में भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स अब आ चुके हैं कि अगर आप एक निश्चित समय पर रेडियो पर अगर आप न्यूज को नहीं सुन पा रहे हैं तो एनी टाइम आप अपनी सुविधा के अनुसार इन खबरों को सुन सकते हैं, क्योंकि AIR न्यूज का एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जब परीक्षा करीब हो तो पूरे वर्ष का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करना बहुत ही मस्ट हो जाता है, और इसके लिए आपका नोट्स आपके काम आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाया है तो इस हालत में आपको किसी भरोसेमंद प्रकाशन की एक किताब यानी जिसको आप कहते हैं करंट अफेयर्स वार्षिकी, उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको जो पत्रिकाएं चुननी है, आपके पास जो स्टडी मटेरियल हो वो सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मेज पर कम से कम 10 करंट अफेयर्स की किताबें रखी हुई हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप सिर्फ भ्रम का शिकार होंगे। एक पुरानी कहावत है कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बेहतर ये होता है कि आप एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ लें। तो आपको चुनाव करना होगा
कि किस प्रकार की और कौन सी किताब आप चुन रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज आपकी इसमें बहुत ही अधिक मदद करती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे मैगजीन्स भी हैं जो कि टेस्ट सीरीज को अवेलेबल कराती हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज जो कि एक अच्छे कोचिंग के द्वारा, एक अच्छे टीचर के द्वारा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई हो, उसमें आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इसका आप इससे आपका रिविजन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करेंगे कि अध्ययन सामग्री को सही रूप में आप व्यवस्थित कैसे करें। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि नोट्स बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्रतिदिन आप नोट्स बनाएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष का नोट्स आप एक महीने में नहीं बना सकते, एक महीने का नोट्स आप एक हफ्ते में नहीं बना सकते, या यूं कहिए कि एक महीने का नोट्स आप एक दिन में नहीं बना सकते। रोज का काम अगर आप रोज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके पास समय भी होगा, आपको कोई भी तनाव नहीं झेलना होगा, साथ ही साथ एक बेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपके पास उपलब्ध रहेगा जो कि परीक्षा भवन में आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए प्रतिदिन के बेस पर आप नोट्स जरूर बनाएं। अपने नोट्स को तीन भागों में बांट लें, अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण में उन घटनाओं को रखें जो कि बहुत अधिक चर्चित है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण में उन घटनाओं को रखें जो कि कम महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आप इन खबरों को इस प्रकार से वर्गीकृत करें कि अति महत्वपूर्ण को आप कम से कम सप्ताह में दो बार जरूर पढ़ें, हालांकि पूरे नोट्स को आप महीने में कम से कम चार से पांच बार जरूर पढ़ें ताकि आपकी मेहनत सफल हो सके और आपके नोट्स का फायदा आपको मिल सके। याद रखिए कि अगर आप सबसे ज्यादा जानने के चक्कर पड़े हुए हैं और हर उस जानकारी को नोट करना चाहते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आपकी नोट्स बहुत ही लेंदी हो जाएगी और यह आपके लिए मात्र कंफ्यूजन का कार्य करेगी। इसलिए सामग्री का चयन आप सोच समझ कर करें, और अगर आपको अभी ये पता नहीं है कि किस प्रकार की चयन सामग्री, यानी कि सामग्री का चयन आपको किस प्रकार से चयनित करना चाहिए, तो इसके लिए आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखते हैं अपनी परीक्षा से संबंधित, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक, किस किस फील्ड के टॉपिक और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स को तैयार करें और उस प्रकार की खबरों पर आप फोकस करें। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहूंगा अंत में कि बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू एंड वुड बी गुड। मतलब ये कि जिंदगी में किताबें और दोस्त ये सीमित होने चाहिए, लेकिन जो हो वो बेहतर होने चाहिए, और यही सफलता का मूल मंत्र भी होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो, हर अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।